लिमिट के कुछ वीडियोस में जो हम लोग पहले देख चुके हैं, बारी बारी से हम लोगों ने इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उनमें से हम लोग पहली, दूसरी और तीसरी को एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम लोग अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग फोर्थ फॉर्म में उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, बीच बीच में इंटरमीडिएट क्वेश्चंस के बीच में ये फॉर्म आती है, बट ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। इसको इवेल्युएट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो अभी तक की जितनी फॉर्म्स आई हैं उनमें से होंगे, बट वो इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं कि आपको डिस्कस करने चाहिए, आपको बताने चाहिए, पहले बताएंगे। आज आइए देखते हैं हम लोग 0.0 के फॉर्म में, 0 इंटू इन्फिनिटी बेसिकली। तो 0 इंटू इन्फिनिटी, जैसा कि बताया भी गया है कि 0 इंटू इन्फिनिटी की बात करें तो ज़ीरो में किसी भी नंबर की का मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो आता है, और इन्फिनिटी में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें इन्फाइनाइट आता है। तो अब यहाँ पर क्या ये ज़ीरो बनेगा, क्या इन्फिनिटी बनेगा, इसलिए अनडिटरमाइन हो गया। इन डिटर मिनेट है, अनडिटरमाइन है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। तो अब देखते हैं लॉग, जब लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे, बेसिकली हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, एक दो और तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए, बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, एक्स लॉग एक्स। हमने बोला हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी लिमिट का क्वेश्चंस करें पहले लिमिट अप्लाई करें। 0 इंटू लॉग 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, उस फॉर्म में चला गया, 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में। हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स को ऐसे रखेंगे, एक्स को 1/x लिख दिया, चाहे तो इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं, तो यहीं इस पे लेके आ गए। हम लोग चेक करेंगे तो इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। लॉग ज़ीरो को हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं, और 1/0 भी क्या हो गया, इन्फिनिटी। हम लोग एल हॉस्पिटल लगा देंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा के देखें, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एल हॉस्पिटल कहता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, नीचे डिफरेंशिएशन अलग, -1/x2। अब ये यहाँ जाएगा, ये यहीं रहेगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाया, बता चुके हैं कि न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 के फॉर्म में हो, तो न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो हमारा आया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, -x2/x इसे कैंसिल हुआ, एक्स बचा, दैट इज़ 0। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लगाया, अप्रोच आपको सिखाई कि 0 इंटू इन्फिनिटी है, या तो आप इसको 0/0 फॉर्म बना लीजिए, 0 इंटू इन्फिनिटी है, या तो 0/0 फॉर्म बना लीजिए, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बना लीजिए, और फिर आप आगे आप बढ़िए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब 1 अप्लाई करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 10π/2 इनफाइनाइट, तो उसी फॉर्म में है 0 इंटू इन्फिनिटी। अब हमने क्या किया, इसको यही रखा, टेन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में लिखा। अब देखिए यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0। ठीक है, हम लोग डी एल हॉस्पिटल लगाने वाले, लिमिट एक्सटेंड टू 1, x-1, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन -cos² π(x/2), और फिर अगेन π(x/2) का डिफरेंशिएशन π/2। हम लोग लिमिट अप्लाई करने वाले cosec π/2, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो cosec π/2 क्या हो जाएगा, 1, तो ये माइनस बना गया, ओवरऑल आया ये ऊपर चला जाएगा, तो -2/π। बहुत इजीली ये भी इवेल्यूएट हो गया। हम लोग यहाँ देखने वाले 0 इंटू, यहाँ पे थीटा इसका इन्फिनिटी जा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 1/x और 1/x, ये बात बिल्कुल सेम है, ये बात सेम है। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स, या हमने अगर ऐसे कर लें लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, दो बातें हैं, दो बातों को ध्यान देना है। यहां पे कर दिया जाए लिमिट वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो तीन बातें हो गई। इन बातों को ध्यान रखना है। बच्चे के दिमाग में हमेशा क्या बनता है कि जब भी साइन एक्स अपॉन एक्स उसने देखा उसने आंसर उसका वन बना दिया, मगर जरूरी नहीं कि हर जगह वो आंसर वन हो। बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने साइन एक्स अपॉन एक्स देखा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा देखा, साइन समथिंग अपॉन समथिंग देखा, आपकी आदत पड़ी है कि वन, मगर वो जरूरी नहीं कि वो वन हो ही। वन कब होगा? आप लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करने पर वो जीरो बनता है, वो जीरो बनता है। जैसे यहाँ पर, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करिए तो क्या जीरो बन रहा है? नहीं बन रहा है। अप्लाई करने पर क्या बन रहा है? इनफाइनाइट। तो ये वन नहीं होगा, स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग वन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए वन अपॉन एक्स है, लिमिट पर जीरो नहीं है, इन्फिनिटी है। तो जब इन्फिनिटी लगाएंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो बन रहा है। क्या बन रहा है? तो ये जीरो हुआ, मेरी बात समझे। इन्फिनिटी लगाने पे वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हुआ, ये भी क्या हुआ? जीरो। तो ये वन होगा, स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग दैट दिस इज वन। तो बात समझे कि इसको इस तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब यही है, और इसका ये मतलब है कि लिमिट अप्लाई किया तो ये जीरो आया और ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे अप्लाई करें तो साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये मैंने बोला कि वन नहीं होगा, बार बार बताई जा रही है ये बात, वन नहीं होगा। इस पर हम लोग एक सेशन भी लेंगे आगे। तो अब देखिए कैसे होगा, जीरो इंटू ऑक्सीलेटिंग, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन साइन थीटा में, अब थीटा मतलब आप कोई भी एंगल डालते रहेंगे साइन वैल्यू निकालता रहता है। साइन का ग्राफ अगर देखें तो साइन में कोई भी आप वैल्यू डालते रहेंगे तो वैल्यू आपको आती रहेगी। अब ये निरंतर कहाँ तक आएगी? इनफाइनाइट तक। साइन में कोई भी साइन थीटा इवेल्युएट करता रहता है। देखिए एक्स की कोई वैल्यू डालते रहेंगे साइन वो मगर हमेशा वन टू माइनस बनाएगी। अब वन टू माइनस बनाएगी कोई वैल्यू ही होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जीरो टू जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू फाइव पॉइंट फाइव जीरो, जीरो इंटू फाइनाइट जीरो। मगर वो एक्स ऐसे जीरो जाएगा बहुत बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा तो वैल्यू ऑक्सीलेट करने लगेगी। वैल्यू क्या करने लगेगी? ऑक्सीलेट, जैसे कि दोलन ऑक्सीलेट करता है बार 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 स्प्रिंग, तो उसी तरीके से जीरो इंटू ऑक्सीलेटिंग। तो जब भी जीरो इंटू ऑक्सीलेटिंग बने तो उसका आंसर आता है जीरो। क्या आता है? तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि इसको हम इस तरीके से ना लिख के वन अपॉन एक्स कर दें तो इसको देखें जीरो, इसको देखें इन्फिनिटी, तो आंसर हम अपडेट कर रहे हैं, इसका आंसर आएगा जीरो। क्या आएगा? एक इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने डिस्कस की, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप दोबारा से भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, हम लोग इस पर एक सेशन लेंगे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक यहाँ पे लिया गया है। देखिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा और साइन पाई बाई एक्स है तो वन अपॉन जीरो दैट इज़ इन्फिनिटी। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी देखने वाले हैं, यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, यहाँ पे जीरो इंटू इन्फिनिटी हो रहा है। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया गया था कि इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखें, मैंने बोला कि इस चीज़ को इससे रिलेट ना करें कि जैसे कि कोई लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो है, साइन एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स है, तो आपने क्या किया? लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन टू, यहाँ पे भी एक्स अपॉन टू किया और यहाँ पे टू मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ वन आ गया। तो वन बाई टू आंसर आ गया। तो वो वहाँ पे साइन मतलब वो फॉर्म हमने अभी बताया था बार बार कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स दैट इज़ वन है, वो वन तब है जब उसका थीटा क्या हो? जीरो टेंड कर रहा हो। यहाँ पर देखिए जब लिमिट लगा रहे हैं तो ये जीरो बन रहा है, हमने बोला कि जैसे जैसे जीरो अप्लाई करेंगे तो इस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि
कि वो चीज़ बढ़ रही है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? वो चीज़ बढ़ रही और कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। एक चीज़ बढ़ना और बढ़ने के बाद रुक जाना, और बढ़ने का अगर रुक गई तो हम उसको काउंट कर पाएंगे, गिन पाएंगे, इवेल्यूएट कर पाएंगे, मगर वो बढ़ती ही चली जा रही है और वो रुक नहीं रही है, तो इसका मतलब फिर वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। मगर साइन में ये देखा गया कि साइन कोई भी एंगल निकालिए वैल्यू निकालेगा, तो फिर कितनी बड़ी होती जाए वैल्यू वहाँ पे आएगी, तो वहाँ पर वो वैल्यू मतलब ऑक्सीलेटिंग वैल्यू होगी। लाइज बिटवीन -1 to 1, तो ऑक्सीलेटिंग वैल्यू कुछ भी होगी, उसमें जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर? जीरो आ जाएगा, ये बताया जा रहा है आपको। ऐसे यहाँ पे देखो, आपने अप्लाई किया तो ये इन्फिनिटी को टेंड किया, ये भी इन्फिनिटी को टेंड किया, बट आप ऐसे देखें लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x कर दें, इसको साइन एक्स कर दें, तो 1/∞ ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये इनफाइनाइट मतलब ये इसका थीटा बढ़ रहा है, तो ऑक्सीलेटिंग हो जाएगा फिर से, तो ऑक्सीलेटिंग जीरो इंटू ऑक्सीलेटिंग क्या सिखाया गया? ज़ीरो। तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर देखो जीरो इंटू कॉट जीरो इन्फिनिटी, मगर आप इसको ऐसे ना देख कर x/10x कर दें, x/10x हो चाहे लिमिट एक्सटेंड टू ज़ीरो, 10x/x हो, जब ये ज़ीरो ज़ीरो से टेन हो रहा क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो देखा जाए स्मार्टली, अगर देखा जाए, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपने साथ रखे हुए हैं और उस पेशेंसली आप काम कर रहे हैं, फॉर्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लिमिट पहले अप्लाई करके देखते हैं और यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो आंसर निकालना मुझे नहीं लग रहा कि टफ है। तो बेसिकली हम लोग एक टर्म को यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीलेटिंग, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन, ऑक्सीलेटिंग वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि शायद इस टर्म को आप अच्छे से समझ ना पा रहे हो, तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ लिया गया, तो साइन एक्स की ग्राफ देखिए कि पहले यहाँ पे ऊपर गई, फिर वो नीचे नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, तो आपको जैसे कि आप देखें कि सीज़न में अपने यहाँ इंडिया में सीज़न में क्या है कि रिपीटिशन है एक फिक्स इंटरवल के बाद, पहले अगर सर्दी है फिर उसके बाद गर्मी फिर बरसात फिर सर्दी, ये अपने जो डे हैं वो भी क्या अगर संडे मंडे ट्यूसडे फिर वो रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या करती बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट करती। जैसे यहाँ पे हम पेंडुलम को लें, तो पेंडुलम अगर यहाँ पे गया फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाने का फिर क्या करेगा? हाँ, तो ये ऑक्सीलेट कर रहा है बार बार, वैल्यू आके रिपीट कर रही है। एक बार वैल्यू चली गई तो दोबारा, और चली गई वो चली जा रही है तो दोबारा आने के चांसेस हैं? बोलो, वो चली गई दोबारा कभी आपने आते हुए नहीं देखा, तो पता नहीं आएगी नहीं आएगी। अब एक बार चली गई फिर आते हुए देखा फिर चली गई, ऐसे आप रोज़ देखते हो कि वो आता भी है पर्सन और जाता भी है, तो आपको क्या लगता है? हाँ, उसके प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मतलब वो रिटर्न होके भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि वैल्यू दोबारा रिटर्न करके आएगी, तो ऐसे अनंत काल इन्फिनिटी पर भी देखें। आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता है कि वैल्यू ये जाने के बाद ऊपर नहीं जाएगा, इसका नेचर क्या है कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाने, पर अब वो कहाँ पर है ये नहीं पता है, वो कहाँ पर है, किस वैल्यू पर एग्जैक्टली वो नहीं पता, बट वो वैल्यू हाँ उसकी तो ऑक्सीलेट कर रही है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीलेट, मतलब इस दायरे के बीच में ही है, बार बार वो वैल्यू क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता ये ग्राफ, तो अब ये ग्राफ क्या है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे से ये भी आगे बढ़ता, तो दोबारा कभी ये हाँ तो ये ऑक्सीलेट नहीं कर रहा है, तो इन्फिनिटी पे जाके कहाँ क्या होगा उसे नहीं पता है, ठीक है। मगर ये इन्फिनिटी पे हमेशा इस दायरे के बीच में ही होगा, ये भी हमें अगर पेंडुलम को आप हिला के छोड़ गए तो आपको पता है कि पेंडुलम ये आगे जाके वो आने चला जाएगा, ये क्या कर रहा हो, ये इसी बीच में रहेगा। तो एक फिक्स दायरे में बार बार वैल्यू को रिपीट करना ऑक्सीलेटिंग वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है।